हाई कोर्ट ने सानहे मॉडल टाउन की तहकीकात करने वाली नई जेआईटी को काम से रोक दिया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद अशफाक से। मोहम्मद अशफाक बताएगा नई जेआईटी को क्यों काम से रोका गया है। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस कासिम खान की सरबराही में तीन रुकनी फुल बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए सानिया मॉडल टाउन की तहकीकात के लिए नई जेआईटी को काम करने से फौरी तौर पर रोक दिया गया है। और इस हवाले से तीन रुकनी फुल बेंच ने दोपहर एक बजे फैसला महफूज किया था और अब मुख्तसर फैसला सुनाते हुए हुक्म दिया है कि नई जेआईटी सानिया मॉडल टाउन की तहकीकात फौरी तौर पर रोक दे। अदालत के रूबरू सब इंस्पेक्टर की जानिब से ये मौकफ इख्तियार किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को नई जेआईटी बनाने का हुक्म नहीं दिया, जबकि एडवोकेट जनरल पंजाब ने खुद ही अदालत में कहा कि हम नई जेआईटी बना लेते हैं। अदालती हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अदालत में पेश किया गया। तो इस मौके पर दरख्वास्त गुजार के वकील सैयद जाहिर हुसैन बुखारी ने ये मौकफ इख्तियार किया कि जब पहले ही जेआईटी ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली है और उसके मुतालिक चलान भी अदालत में जमा हो चुका है, तो इसीलिए अब नई जेआईटी तहकीकात नहीं कर सकती और इस हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं है। जिस पर अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद दोपहर एक बजे फैसला महफूज किया और अब मुख्तसर फैसला सुनाते हुए अदालत ने नई जेआईटी को काम करने से फौरी तौर पर रोकते हुए पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए हैं और एक हफ्ते में तहरीरी वजाहत तलब कर ली है। ठीक है, मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद है मुजाहिद शेख। मुजाहिद बताएगा जेआईटी को काम से रोक दिया गया है, जेआईटी में कौन कौन शामिल था और नई जेआईटी में कितना काम मुकम्मल कर लिया गया था। आज बिल्कुल, इस जेआईटी जिसने तकरीबन अपना 90% काम जो है वो मुकम्मल कर लिया था और इसके सरबरा जो है वो आईजी मोटरवे एडी खाजा थे और उसके साथ साथ एक डीएसपी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के कुछ आला अफसरान जो थे वो भी जेआईटी के मेंबर थे। और इस जेआईटी ने नवाज शरीफ समेत, शहबाज शरीफ समेत तमाम सियासी लोगों का जो है वो बयान कलमबंद कर लिया था। जितने भी सानिया मॉडल टाउन के गवाह थे उनके भी बयान कलमबंद कर लिए थे और उसके साथ साथ इस जेआईटी ने जो फोन डाटा है उस वक्त का, जो मोबाइल फोन पर सियासी लोगों के और पुलिस अफसरान के फोन कॉल्स की डिटेल थी वो भी जो है वो मुकम्मल कर ली थी। और ये आइंदा 31 मार्च को इसकी रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल की जानी थी और सिर्फ ख्वाजा साद रफीक का बयान जो है इस जेआईटी ने कलमबंद करना था और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का बयान जो है वो तखीर से होने की वजह से ये जेआईटी जो है 15 मार्च को अपना मुकम्मल काम नहीं कर सकी थी और 31 मार्च तक इसने अपना काम मुकम्मल करना था। और इस जेआईटी ने फॉरेंसिक की रिपोर्ट जो है वो भी हासिल कर ली थी क्योंकि, और नक्शा जो है वो भी मुकम्मल कर लिया था सिवाय एक सियासी शख्सियत जिनका नाम ख्वाजा साद रफीक है, उसके अलावा तमाम काम जो है वो मुकम्मल कर लिए थे। और इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा था, हमारे ज़राए का ये कहना है कि 30 मार्च को इस जेआईटी ने रिपोर्ट मुकम्मल कर लेनी थी। अब जो है वो मुकम्मल फाइंडिंग जो है वो जेआईटी की जानिब से की जा रही थी, जिसे आसान अल्फाज में कहा जा सकता है कि तहरीरी तौर पर जो है वो जेआईटी अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर रही थी और ख्वाजा साहब का जो बयान है वो कलम बंद करने के बाद इससे जेआईटी ने अपना मुकम्मल तफ्तीश का जो है वो बयान लिखकर जो है वो अदालत में पेश करना था। जी ठीक है मुजाहिद।